आप देख रहे हैं मार्केट ने डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाया, ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है और मार्केट ने डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाया है। कंटिन्यूज यहाँ पे मार्केट डाउनसाइड आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट ले रही है 44,600 के लेवल का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आप फिबोनाची लेवल लगा के पता कर सकते हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिबोनाची लेवल आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर फिबोनाची रिप्लेसमेंट लेवल आपको मिल जाएगा, ये आपको लगाना है बॉटम से लेकर टॉप तक, यहाँ तक आप लगाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट कितनी गिरी है। मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो 50% का या फिर 61% का रिट्रेसमेंट लेती है। आप देख पा रहे मार्केट ने यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट लिया है, ये आपको नज़र आ जाएगा। अगर हम फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से मार्केट जो है सपोर्ट ले सकती है, कौन से लेवल पर ले सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने बॉटम से लेके टॉप तक मैंने फिबोनाची लेवल यहाँ पे मार्क कर रखा है और 61% का रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया है। आप देख पा रहे बिल्कुल यहाँ तक मार्केट आई है 61% तक और 61% से रिकवरी कर सकती है। ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों और मैं फिबोनाची लेवल बिल्कुल हमेशा चेक करती रहती हूँ। आपको भी चेक करते रहना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे फिबोनाची लेवल कितना बढ़िया से वर्क करता है, यहाँ से बिल्कुल रिकवरी आएगी क्योंकि कंटिन्यूज मार्केट इस तरह से गिर नहीं सकती दोस्तों, कंटिन्यू नहीं गिर सकती। एक रिट्रेसमेंट ज़रूर मार्केट लेती है, उसके बाद फिर से गिर सकती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में निकलती है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं अप ट्रेंड में अगर मार्केट निकलती है तो एक रिट्रेसमेंट जरूर लेती है, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड दिखाती है और उसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट आता है और फिर से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो उसी तरह से मार्केट अगर गिरती है तो कंटिन्यूस नहीं गिर सकती, खड़ी खड़ी मार्केट कभी नहीं गिरती है। एक रिट्रेसमेंट जरूर आता है, एक रिकवरी जरूर आती है मार्केट में और रिकवरी के बाद यहाँ पर हमें डाउन साइड फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यही सीक्रेट है दोस्तों मार्केट का। फिबोनाची लेवल आपको भी चेक करते रहना चाहिए, किस तरह से चेक किया जाता है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं वीडियो आपको दिखा देती हूँ, कौन सी वीडियो है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो आप देख पा रहे हो फिबोनाची लेवल की स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई है यहाँ पे और इस वीडियो में आपको फिबोनाची लेवल बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। जरूर जाके देखिए, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसका टाइटल है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, इंट्राडे टिप्स, ऑप्शन ट्रेडिंग कल बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, ये इसका टाइटल है। आप जरूर जाके देखिए, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अगर आप फिबोनाची को फॉलो करते हो तो आप मार्केट गिरने के बाद एक सपोर्ट जहाँ पे लेती है वहाँ पे आप फिबोनाची लेवल चेक कर सकते हो। फिबोनाची लेवल 61% है या फिर 50% है, वहाँ से आप एक रिकवरी प्लान कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और फिबोनाची लेवल की वीडियो ज़रूर जाके देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा जो हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूं और लोग भी वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।